जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में एक रोगी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर नया जीवन दिया गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्रेन डेड हुए सुशील कुमार के परिजनों द्वारा स्वैच्छिक तौर पर अंगदान किया गया। हार्ट कोटा निवासी मोहम्मद जफर को 9 घंटे तक चली ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद सफलतापूर्वक लगा दिया गया। अस्पताल में हार्ट सर्जरी निदेशक डॉक्टर मौजूद रहे। इसके अलावा देखिए, मुख्य हार्ट सर्जन डॉक्टर मुर्तजा अहमद चिश्ती के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक डॉक्टर्स और टेक्नीशियनों के लिए काम किया गया। इनको एंड स्टेज हार्ट फेलियर था, उसकी वजह कॉरोनरी आर्टरी डिजीज थी, जिसके लिए इनको 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, CABG बाईपास सर्जरी। लेकिन हार्ट इनका बहुत ही कमजोर था, यानी कि एंड स्टेज हार्ट फेलियर, इसलिए हमें इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तो इनकी रजिस्ट्रेशन रिसेंटली नोटो के साथ हुई थी और लकीली हमें एक मैचिंग डोनर मिला दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में, और गंगाराम हॉस्पिटल से हमने, हमारी प्रोक्योरमेंट टीम ने हार्ट यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम में लेके आए। नॉर्मली हार्ट डोनर जो बहुत दूर होता है उसके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ता है, एयर एम्बुलेंस के बिना वो नहीं होता। लेकिन चूंकि कल काफ़ी VIP मूवमेंट थी और काफ़ी जगह पे रोड ब्लॉक से ट्रैफिक बहुत था, तो इसलिए हमें मजबूरन बाई रोड ही आना पड़ा और रिकॉर्ड 4 घंटे के अंदर हमारे पास